चलिए शुरुआत करते हैं भैरवी थाट में, पांच अलंकार। पहले भैरवी थाट बजाएंगे एक बार सिंपली, फिर कॉर्ड के साथ अलंकार है, फिर कर्ण स्वर है, वन स्वर कर्ण में लगाना है, टू स्वर लगाना है। पीछे आप लोगों ने देखा है, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में पीछे का वीडियो होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। पहले भैरवी सारे भैरवी का कॉर्ड बहुत फेमस है, सा ग प रे म ध ग प नी और म ध सा, एकदम सिंपल कॉर्ड के साथ वही अलंकार बेस करते हैं, तीन वाला सा रे ग रे ग म, इसी को बेस करके चलना है। कॉर्ड के साथ पहले अलंकार को गाना है, सा रे ऐसे सा रे ग, तो ये जो लीजिए सा रे ग, तो कॉर्ड लगाने में दिक्कत आ सकती है इसलिए ऐसा करना है, सा रे ग डायरेक्ट लीजिएगा सा रे ग ऐसा कॉर्ड, ठीक है सा रे ग रे, यहाँ से फिर अंगूठा ऐसे ही करना पड़ेगा रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा सा नी ध नी ध प ध, यहाँ से नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। बीटिंग के साथ कर सकते हैं, तो कॉर्ड ऐसा आएगा वन टू थ्री सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा भी कर सकते हैं। अलंकार नंबर टू, इसी अलंकार को कर्ण स्वर के रूप में गाना है, कैसे होगा सा रे ग सा रे ग, एक नोट गैप पहले देखे थे आप, मौ को गैप करके प सा रे ग, कई बार करके रियाज करना सा रे ग रे ग म भगकन रे ग म ग म प म प ध प ध नी ध नी सा अलग से लगेगा, मतलब कण का मेलोडी कुछ चेंज हो जाए, जैसे सा रे ग रे ग म ग म प प, कण का नोट जो लगता है वो एक नोट अल्टरनेट करके उसको छूट, वो सुर से छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान। इसी में डबल नोट का कण स्वर लगाना है, कैसे होगा देख लो सा रे ग, कण का नोट कैसे लग रहा है, लॉजिक क्या है, जैसे ग में आए तो ग के बाद एक नोट प छोड़ के म छोड़ के प, और इसके बाद जब सेकेंड नोट लेंगे कर्ण का वो फिर एक नोट छोड़ के, ऐसा ही पैटर्न बनेगा। ओके सा रे ग रे ग म, यहाँ
पे आए तो ध और सा गा कर। रे गा मा गा मा पा 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 नी रे नी पा गा मा पा मा पा धा ध पे आए सा गा गा कर। ओके मा पा धा लगता रहे कर्ण नोट का ये ध्यान में रख के करना। ओके अलंकार नंबर चार, अलंकार चौथा अलंकार में चलेंगे तो मंत्र सप्तक से शुरुआत होता है और एक खास हरकत के साथ दो हरकत एक साथ चलता है, उसका पैटर्न कुछ ऐसे बनता है। पौ से चलेंगे, पौ से चले पधनी सा गरी सा, तो पधनी सा ये एक हरकत है जो जनरल हरकत है और यहाँ खटका का प्रयोग है। पिछले वीडियो से मैं चर्चा कर रहा हूँ कैसे करेंगे, मेलोडी क्या बनेगा। पधनी सा गरी सा कॉर्ड का प्रयोग जनरली करना ही चाहिए, फिंगर को भी आदत पड़ेगी। फास्ट करेंगे तो कॉर्ड को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली कर सकते हैं। पधनी सा गरी सा आकार में करेंगे आ, 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 आ। किसी भी एडवांस कंपोजिशन से पहले इस टाइप का आलाप लिया जाता है। पधनी सा गरी सा अब ध से चलेंगे धनी सारे मगरे धनी सारे मगरे नी से चलेंगे नी सारे गप्पा मगा नी सारे गप्पा मगा पमगा खटका निसरेगा पमगा सा से चलेंगे सारेगा मध पम सारेगा मा ये पैटर्न ध पम सारेगा मध पम दो कट का प्रयोग हो सकता है रे मध और मध सा मौ के लिए। रे से चलेंगे रे ग म प नि ध प रे ग म प नि ध प रे ग म प नि ध प ग से चलेंगे ग म प ध स नि ध ग म प ध स नि ध ग म प ध स नि ध फास्ट करेंगे आकार में तो लग जाएगा आपको ये एडवांस गायकी में, ये बहुत यूजफुल चीज है। म से चलेंगे म प ध नि रे सा नि म प ध नि रे सा नि म प ध नि रे सा नि प से चलेंगे पधनी सा गरे सा पधनी सा गरे सा पधनी सा गरे सा अब यहाँ से डाउन में आएंगे पधनी सा गरे सा म पधनी रे सा नि ग म प ध स नि ध जो पैटर्न बजा के गए वही पैटर्न एक एक डाउन हो रहा है। म प ध नि रे सा नि खटका के साथ ही ग म प ध सा नि ध
रे ग म प नि ध प आ स रे ग म ध प म आ नि स रे ग प म ग आ नि स रे म ग रे आ नि स ग रे स तो ये बहुत यूजफुल थी, इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये था अलंकार नंबर 4। अलंकार नंबर 5 गमक के लिए अल्टरनेट नोट सा ग रे म ग प म ध प नि द सा सा र नि प ध म प ग म रे ग सा। पूरा क्लियर किया हुआ ये सब चीज पिछले वीडियो में कि गमक कहाँ से आ रहा है। करना ऐसे है सा सा ग आ आ आ रे रे म आ आ आ ग ग प आ आ आ म म ध आ आ आ प प नि आ आ आ ध ध सा आ आ सा ध सा सा ध नि प ध म। झटका लग रहा है सा ध नि प ध म ध ध म, लेकिन एक ही बार बजा ध म प ध म रे ग